हाइपरबोला। क्या है हाइपरबोला? हाइपरबोला इज पाथ ऑफ ए पॉइंट। वही लॉकस ऑफ ए पॉइंट। हाइपरबोला क्या है? लॉकस ऑफ ए पॉइंट। लॉकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स विच मूव सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस। अनिशा तेरा वो हो गया था उसके वाला बुक कहाँ? वो ये चैप्टर स्टार्ट कर लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सुना आपने उसका टाइम रख एक क्वांटिटी जितना जितना होती है 6 बजे का टाइम रख डॉक्टर का क्या डॉक्टर को भी मुझे 6 बजे का टाइम कितने बजे छुट्टी होते हैं 7 तक तो होती है मतलब 7 से हाँ बोले मैं 6:30 में जा जाऊँगा कितने घंटे की छुट्टी होती है मतलब तेरी हाँ तेरी तेरे 8-10 होंगे तो उनको 6:30 करते हैं मतलब 6 का तो 5:30 तो फ्री होगा वहाँ से सीधा निकल जाए इसी तरह सीधा निकलने से तेरा टाइम भी बचेगा और लाइक ट्यूशन भी। सो हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जैसे ये दो फिक्स पॉइंट है भाई, एक क्या है एफ वन, एक क्या है एफ वन और दूसरा क्या है एफ टू। ठीक है, तो ये पी पॉइंट एक मूविंग पॉइंट है और वो ऐसे ढंग से मूव कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट ऐसे ढंग से मूव कर रहा है कि इसके डिस्टेंस का ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस यानी कि पी एफ टू माइनस पी एफ वन क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये जो पाथ बनाएगा उस पाथ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस पाथ को? उस बात को हम कहेंगे हाइपरबोला। ठीक है, ये जो बात बनाएगा उस बात को हम क्या कहेंगे? पी एक्स वाई पॉइंट है, ये जो बात बनाएगा उस बात को हम कहेंगे हाइपरबोला। करेक्ट? ठीक है, समझ आया क्या हाइपरबोला? एक ऐसे पॉइंट का बात है जो मूव करेगा, एक बात बनाएगा और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे, राइट? दिस इज हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो शेप होती है, हाइपरबोला की शेप किस टाइप की होती है? इस टाइप की। ठीक है, ये दो नहीं, ये एक ही हाइपरबोला है, राइट? ये सब एक कोण के पार्ट होते हैं। कौन को अलग अलग ढंग से कट किया जाए, कौन के प्लेन्स को अलग अलग प्लेन में कट किया जाए तो जो कर्व बनेंगे वो होते हैं। ये जो एक्सिस है इस केस में एक्स एक्सिस है, इसे हाइपरबोला का कहेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस क्या कहेंगे इसको? ट्रांसवर्स। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, जैसे कि यहां पर वाई एक्सिस को कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस क्या कहेंगे इसको?
कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस कहा जाएगा, कौन सा एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। कल स्कूल की छुट्टी है, आर यू कमिंग इन मॉर्निंग? ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ठीक है भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस ये क्या है? सर आप वो शीट्स पढ़ी थी आपने कुछ दिन दी थी, चाय गिरी हुई, क्या क्या किसे चाहिए? बिना चाय वाली गिरी हुई। ठीक है, चाय गिरी हुई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर हमने दिया ही नहीं तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, जिससे कोई ले ही रहा था। इन पॉइंट्स को कहा जाएगा भाई वर्टिसेस, जो ए और ए डैश है, ए एंड ए डैश है, ये पॉइंट्स हाइपरबोला के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। इसी पे यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे कि सी और ये बी सी डैश, ये क्या हो गए? फोकस, फोकस ऑफ द फोकाई, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम कितना ले लें? ए ले लें, तो ये भी कितना होगा? ए होगा। और इस डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं? सी ले लेते हैं, तो दोनों साइड का डिस्टेंस कितना होगा? सी होगा। तो ए के जो ये जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है यहाँ पर? वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एक्सिस कितनी होगी? 2b। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होगी? 2b। यहां पर एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, b। ये डिस्टेंस b होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -b, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ वर्ड, ये क्या होंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि वर्टिसेस क्या होंगे? क्या मनीषा आ रहा है? वर्टिसेस क्या होंगे भाई? वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस 1, 0। और एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होंगे? 0, b, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होंगे? 0, ±b, ठीक है, समझ आया। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, प्लस माइनस c, 0, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल, फोकस के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हो गया फोकस के कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेंथ ऑफ, अच्छा सी में, ए बी सी में क्या रिलेशन होगा? सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टल क्या होगी? असेंट्रिसिटी क्या होगी? सी बाई ए, और यहाँ पर असेंट्रिसिटी का ग्रेटर देन 1 होगी, असेंट्रिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। इलिप्स के केस में क्या थी ये? इलिप्स में, इलिप्स में असेंट्रिसिटी क्या होती है? लेस देन 1, ठीक है। वहाँ सी छोटा होता है, ए बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ए सी बड़ा है, ए छोटा है, तो यहाँ पर असेंट्रिसिटी क्या आएगी? यहाँ पर असेंट्रिसिटी क्या होगी? असेंट्रिसिटी क्या है? सी बाई ए, ठीक है भाई। चलो आगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
लेंथ ऑफ लेट सेक्शन कितनी होगी, 2b² बाई, ठीक है। और इनिशियली हमने ये किया था कि अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे PF1 माइनस PF2 तो यह क्या आएगा, ये कांस्टेंट नंबर आएगा और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा, ठीक है। जब इस कंडीशन में PF1 डिस्टेंस ये मान लो P पॉइंट है PXY, जब हम इसको सॉल्व करेंगे PF1 माइनस PF2 2 ही देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x² - a² - y² - b² = 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पर वैसा नहीं है कि a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, जैसे इलिप्स में हमेशा ये बड़े वाले को ये लेते हैं, और बड़े वाला कौन से एक्सिस के नीचे है ये मैटर करता है, वही ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, छोटे वाला नंबर जिस एक्सिस के नीचे है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आकाश भैया को कहना है कि पूरी एक्सरसाइज सोच लेते हैं, ठीक है, कहना है भैया आपकी नोट चेक की जाएगी। ऐसा वो मैंने ये आपको वो दी थी उसकी एक्सरसाइज, सभी लोग चेक करवाएंगे, अगर किसी ने नहीं किया तो ये स्टे विद मी। हाइपरबोला हो सकता है, इस टाइप के हाइपरबोला में भी वही होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ए कॉमा जीरो, इस पॉइंट के a' इसके कोऑर्डिनेट क्या कितने होंगे, जीरो को गलत लिख दिया ना, जीरो कॉमा ए होना चाहिए, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जीरो कॉमा माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर तो ये हो गया, ये डिस्टेंस कितना है सी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा सी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे बी कॉमा जीरो माइनस बी कॉमा जीरो और इधर कोई b' b, यहाँ पर जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे PF1 - PF2 = 2a तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन किस टाइप की आएगी, y² - a² - x² / b² = 1, ठीक है। एक ए भी का कोई बोल रहा है, ठीक है, इस ये इक्वेशन भी हाइपरबोला ही है, लेकिन इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, फोकस है वो वाई एक्सिस पे ऊपर होंगे, राइट। तो इस हाइपरबोला में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो टू ए ही रहेगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या रहेगी, टू ए रहेगी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b ही रहेगी, ठीक है। वर्टिसेस क्या होंगे भाई, वर्टिसेस वही होंगे बट क्योंकि वाई एक्सिस पे हैं इसलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से चेंज होंगी, कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस बी कॉमा जीरो बन जाएंगे, ठीक है। फोकाई क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा प्लस माइनस सी, ये हो जाएंगे, ठीक है। ए बी सी में रिलेशनशिप वही रहेगा, एसेंट्रिसिटी वही रहेगी, लेंथ ऑफ सर्कम सेम रहेगी, ठीक है। नॉट इट, कॉपी करो। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, बोलो। x² / 16 - y² / 9 = 1, x² / 16 - y² / 9 = 1, ये पर इसको क्या लिखेंगे, इसको x² / 4² - y² / 3 = 1। ए क्या आया बच्चों यहाँ से, 4, बी कितना आया 3, सी निकालोगे तो वो क्या होता है, अंडर रूट a² + b² यानी 16 + 9 = 25, 25 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, दिस, समझ आए। नाउ
तो कौन से टाइप का हाइपरबोला एक्स एक्सिस की टर्म, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म देखा करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स होगा, जो टर्म जिस टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है, ए डिस्टेंस होता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो, तो आएंगे फोर कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, जीरो माइनस फोर कॉमा, जिसका पॉजिटिव है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है यहाँ पर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और अगर ये ऐसे होता वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्स होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। दिस यू हैव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा सी देखो कितना आया, फाइव आया ना, और सी कहाँ पर है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो फोकस एक्स एक्सिस पे ही होगा, फोकस यहाँ होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए, फाइव कॉमा जीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, माइनस फाइव कॉमा जीरो, फाइव कॉमा जीरो और माइनस फाइव कॉमा जीरो, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, टू ए के बराबर होती है, टू ए, टू ए ए मतलब फोर, एट हो जाएगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ बिजनेस करवाइए तुम्हें, टू बी दैट इज सिक्स, बिजनेस करवाइए थे स्कूल में इस सेक्टर में, तुम्हें करवाइए, कितने होंगे, अच्छा वर्टिसेस क्या होंगे, पहले वर्टिसेस लिखो, वर्टिसेस वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो, प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितने होंगे, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितने होंगे, जीरो कॉमा प्लस माइनस थ्री, ये एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, फोकाई, फोकाई क्या है, फोकाई क्या है, प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा अभी, एसेंट्रिसिटी, ये कितना होगा, सी बाई ए फाइव बाई फोर, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होगी, ये हमने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो पहले बार नहीं है, तो 1990 है तेरे। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होगी, टू बी स्क्वायर बाई ए, तो कितना आएगा, टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बताओ, टू इंटू नाइन बाई ए कितना है, फोर, तो नाइन बाई, ये सब कर, ठीक है। करो सेकंड क्वेश्चन,
गया क्वेश्चन सही था। अगला क्वेश्चन करें बताओ, अगला क्वेश्चन करें कौन से वाला बताओ, क्वेश्चन बोलो। y square by 9 minus x square 27 is equal to 1। तो ये क्या हो गया अभी, y square upon 3 का square minus x square upon 27 क्या होता है, 27 क्या होता है, 3 into 3 into 3, इसको इसका ऐसा लिख सकते हैं ठीक है, ये 12 है, रूट 27 का स्क्वायर ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा रूट से, तो 3√3 का स्क्वायर होगा, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर होगा ठीक है, ये रूट से 12 आएगा, 12 की क्या बनेगा 3, अंदर क्या बचेगा रूट से, और पूरे का क्या है स्क्वायर, तो ये 3√3 का स्क्वायर होगा। तो ए कितना है यहाँ पर, 3 है, ई कितना है, 3√3 है, सी की तुम वैल्यू निकालोगे, सी होता है √a² + b², ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर कितना है, 27 है, 36 हो गया, 36 तो सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ठीक है साइरा। ये हो गया अभी क्या करें, तो कौन से वाला टाइप का हाइपरबोला है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ऊपर, मतलब वाई एक्सिस है ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है इसमें, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस अच्छा बोले थे, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी आएगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी, 2a दैट इज 6, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितनी होगी, 2b, इसका डबल करेंगे 6√3 ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, कंजुगेट एक्सिस हो गई ठीक है, वर्टिसेस क्या होंगी, वर्टिसेस ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स यहां पर होगा ठीक है, 1,0 होते हैं, ए कितना है 3, तो 0,3 होगा और ये 0,-3 होगा, 0,±3 वर्टिसेस ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होंगे, ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होंगे, +-3√3 0 ये होंगे ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकाई +-0,±, सी कितना निकला था भाई 6 ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या होगी, सी अपॉन ए, सी कितना है, 6/3, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी,
टू बी स्क्वायर बाई ए, टू बी स्क्वायर मतलब टू इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है थ्री रूट थ्री बाई ए कितना है थ्री टू रूट थ्री टू बी स्क्वायर है ना वो सर वो उसका समाइन हो गया बी स्क्वायर नहीं लिया ट्वेंटी सेवन बी से काटेंगे नाइन आया एटीन आ गया ठीक है करो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना कौन सा कवर करवा दो लिखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिखो कौन सा वाला फिफ्थ तो पूरे को फाइव से डिवाइड कर दो सर फाइव से थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स सर वो फाइव सेवन पॉइंट टू पर जा रहा है फ्रैक्शन में रख लेंगे ना बताना अनिशा चलिए हाँ बताओ भी फाइव वाई स्क्वायर माइनस फिफ्थ क्वेश्चन है ये फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइन नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पहले इसको 36 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 36 और जो 5 है ना यहाँ इसके नीचे आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 और जो 9 है वो 36 के नीचे आएगा दैट इज इक्वल टू तो ये हो गया भाई वाई स्क्वायर अपॉन 36 6 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये कट हो जाएगा 4 पे टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए क्या है यहाँ पर सिक्स अपॉन रूट फाइव बी क्या है यहाँ पर टू पहले सी निकालो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 बाई फाइव प्लस में फोर ठीक है बीस बीस 56 बाई फाइव ठीक है टू रूट फोर्टीन अपॉन फाइव ठीक है अब बाकी की सारी चीज़ें निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिखाने बुक दिखाने एक क्वेश्चन वर्टिसेस दिए हैं फोकाई दिए हैं और हमें क्या निकालनी है क्वेश्चन निकालना है सेवंथ क्वेश्चन में क्या है सेवंथ क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं वर्टिसेस कितने हैं प्लस माइनस टू कॉमा जीरो फोकाई कितने दिए हुए हैं प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो एक बात बताओ वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे है फोकाई भी एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस ठीक है तो पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाइपरबोला माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है ये इक्वेशन होगी मतलब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और बी होने चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ए और बी होना चाहिए देखो वर्टिसेस तो ए और ए होता है प्लस माइनस ए जीरो होते हैं तो ए कितना है टू है और फोकस क्या होते हैं प्लस माइनस सी जीरो होते हैं ठीक है तो सी कितना है थ्री है और रिलेशनशिप क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो गया नाइन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना है फोर ठीक है नहीं टू फाइव ए स्क्वायर फोर है प्लस में बी स्क्वायर
तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो बी कितना हो गया, बी स्क्वायर ही चाहिए हमें, जरूरत नहीं है बी निकालने की। बी स्क्वायर आ गया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 5 माइनस, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। देखो इसको अब अगर इसका अगला पार्ट करो, निशान एडिशन Vansh, yes sir. How are you? Fine sir. आपका सोना जाए। 12th वाला सम क्या है अभी? 12th वाले में कहता है कि कौन सा है 12th वाला? फोकस दिया हुआ है तो प्लस माइनस सी जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी होगी वहां से? सी फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 3√5 सी आ गया। और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है? 2b² / a दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² / a दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। सी इज दिस 2b² / a इज इक्वल टू दिस। अच्छा ओके okay, यहां से एक रिलेशन आ गया 2b² = 8a, इसको तो यही छोड़ दो 2b² / a = 8a। एंड इससे क्या आएगा हमारे पास? c² कितना होता है बच्चों? a² + b² दिस इज इक्वल टू 3√5 सर हो जाएगा तो, ठीक है। अच्छा b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? इसको कट कर दो सर, a = b² / 4। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4a। नहीं सर वही बात, इसे काटोगे b स्क्वायर की वैल्यू यहां सीधे डाल दो, a² + 4a माइनस 3√5। अच्छा ये a² + b² c² के इक्वल होता है ना, तो यहाँ c² आएगा, तो कितना आ जाएगा 45। यस सर समझे, नहीं समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। साहिरा a² + b² = c² है ना, तो 9 × 5 इज इक्वल टू 0। a² + 4a - 45 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या आएगा? वही 9 और 5 पे बनेगा, a² + 9a - 5a - 45 इज इक्वल टू 0। a × a + 9 - 5 a + 9 इज इक्वल टू 0। a + 9 × a - 5 उसको पहले पता होएगा जरूर उसके नाम पे सर, आने से हम भी जाके देख के आएंगे कौन है ऐसा आदमी कौन सा सिटी में इतना गिरा हुआ इंसान कौन है, कोई लेके पैसे नहीं देता, भागता भी कैसे, कूद के भाग जाता पीछे से। b निकालो कितना है? b² = 4 × x² / 5 - y² /
राइट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 8 डिग्री 20 इज इक्वल टू 1 ठीक है एक और करो टाइम तो ऐसे सही तो करके नहीं आया सर मैंने बहुत सुना था पिछली बार आप बात कर लो उनसे किससे क्या क्या बोले सर ये दो बच्चे आएंगे नहीं सर सबके लिए आए दो बच्चे आएंगे नहीं आ सकते नहीं सुनाया क्या था मेरा नाम बताना यहाँ मत बताना यहाँ टीचर में पढ़ते हैं ये बोला तो सर हाँ कि मैं सर सर ने लोग किया था कहते कि बताना नहीं होता कौन करके क्यों लेट आऊंगा ये तेरा बाबा ऐसे कहता बाहर निकलो हाँ वैसे बाहर निकल देता है अच्छा मैं तो जान लगा था कि अच्छा चलो जान लगा कहते चल जा इसका ये लास्ट क्वेश्चन करके आएगा और वो पीछे के एक्सरसाइज हुए ठीक है भाई और मेरा नाम बिल्कुल भी मत बताना कि मैं कहाँ पढ़ते हैं ठीक है बताया था कहाँ पढ़ते हैं लोग आते रोक दिया अब पूछे कहाँ पढ़ते हो सेंसिटिव नहीं फिर मैं इससे भी पूछते हैं लोग ना 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 ऐसा ऑर्डर तो मैं बोलो सही सही उसमें तो बता देना जब फंस जाओ तब मत बताना वरना तुमको ये हो जाएगा ना कि 7 6 3 में पढ़ाते हैं एक सर वहाँ पढ़ाओ ये देखो भी ये देखो हाँ प्लस माइनस 7 तो ये क्या दिया हुआ है क्या जाओ और काम करते हैं ना जो मैंने बोला वर्टेक्स प्लस माइनस ना वर्सेस नहीं होना चाहिए तो ए कितना है भाई 7 ई कितना है 4/3 ठीक है ए क्या है 7 ई कितना है 4/3 अच्छा ई क्या होता है सी बाई ए होता है ना सी बाई ए 4/3 ए दिया हुआ है 7 डाल दो यहाँ पर तो सी कितना आ गया भाई 7 इधर चला जाएगा 4 × 7/3 28/3 ठीक है सी की वैल्यू अच्छा सी कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक काम करो सी स्क्वायर अरे सर रुको इसको ऐसा करने की बजाय एक काम करो यहाँ पर क्या करोगे देखो सी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है ना अपॉन में ए इज इक्वल टू 3/4/3 स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 16/9 समझ आया सर नो ए स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर टू इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ठीक है हां 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर नो सर तो हां यस सर सही हो नहीं यस सर ना 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए कितना है भाई 7 तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 243/9 ठीक है अब हमारे पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और इलिप्स कौन सी बनेगी एक्स स्क्वायर वो हाइपरबोला कौन सा होगा एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगा दो इज इक्वल लगा दो फिर अगला करके दिखाई डाउट होता है यहाँ पर स्केयरिंग किया ना बोथ साइड तो यहाँ तो रूट कट गया स्क्वायर से नीचे ए स्क्वायर हो गया और राइट हैंड साइड में 16/9 हो गया ये 16/9 है यानी शॉपिंग कर ली छोड़ दी बाबू नहीं है
क्या बेटा 343 आएगा? हाँ 343 करो बेटा, इसको 343 करो, 343 15 क्या दिया हुआ है? 4 का ही दिए हुए हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस 15 था नहीं, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो फोकस कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और सी कितना है? रूट 10, सी क्या है? रूट 10, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, यहाँ तक फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस सी, यही होते हैं ना, तो सी की वैल्यू रूट 10 होगी, एंड कहाँ से पास करता है? 2, 3 से पास करता है, मतलब 2, 3 यहाँ पर ऊपर है। पहले देखो इक्वेशन कौन सी वाली बनेगी, इसमें इक्वेशन कौन सी होगी भी जिस टाइप के लिए? वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी ना, वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, क्या आ गया यहाँ से बताओ जरा? वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर तो नहीं है ना हमारे पास, चलो ए स्क्वेयर ही रखो फिर इसको, माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर भी नहीं है, ओके इज इक्वल टू, तो फिर क्लिक क्यों रहे नहीं है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एक तो पहले यहाँ से लिखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या आएगा? 10। अच्छा अब ये कहाँ से पास कर रहा है? ये जो इक्वेशन है यही हाइपरबोला की इक्वेशन है, और हाइपरबोला 2, 3 से पास कर रहा है, तो 2, 3 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एज 2, 3 लाइज ऑन कोई गिर गया, देखिए तो नहीं गिर गई यार, तू बहुत गिर गई है, सर नहीं ऐसा लग रहा है कोई मतलब बहुत नीचे गया है, बच्चे सर सर आप ठीक बोलो, हो सकता है 2, 3 लाइज ऑन, 2, 3 लाइज ऑन 1, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है, डालो इसमें 9 अपॉन ए स्क्वेयर, 9 अपॉन ए स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या डालोगे? 2 और वाई की जगह 3, तो 9 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम लो, 9 बी स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, बहुत लिफ्टें गिरती हैं आजकल पता है, मतलब कई बार नोएडा वोएडा है, कई बार के साथ लिफ्ट गिरने का सर, बट गिरती क्यों है? चेन वेन में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो ना, तो 2 मिनट लगा छोड़ देता है, ठीक है ना, 9 बी स्क्वेयर चेन वगैरह टूट जाती होगी कुछ सर, चेन नहीं बैंड होती है मैडम, होती है ऐसी मतलब जैसे वो होती है ना कार की सीट बेल्ट होती है वैसी सीट, मतलब दिखती है और वही होती ना, ये कुछ 9 बी स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर। अच्छा यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे बी स्क्वेयर कितना आएगा यहाँ से? बी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ से अगर बी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हो तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस यहाँ पर डाल दो, 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू 10 माइनस ए स्क्वेयर, रेगुलर मेंटेन सही से नहीं होना, फोल्ड आ जाता है 90 माइनस 9 ए स्क्वेयर, और ये कितना भी माइनस का 4 ए स्क्वेयर 10 ए स्क्वेयर प्लस माइनस ये 4 90 माइनस 30 ए फोर को लेफ्ट में लिया हो भाई, ए फोर और ये बताओ कितना हो गया 13 और ये 10 माइनस का 23 माइनस 23 माइनस प्लस 90 प्लस प्लस 90 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए फोर माइनस 18 ए स्क्वेयर माइनस 5 ए स्क्वेयर प्लस 90, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आया ए स्क्वेयर कॉमन ले लो
ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ए स्क्वेयर माइनस ए टी माइनस बताओ माइनस फाइव इंटू फाइव ए स्क्वेयर फाइव अगर ए स्क्वेयर माइनस ए टी माइनस फाइव इंटू ए स्क्वेयर माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वेयर माइनस एटीन कॉमन आ गया, क्या बचा ए स्क्वेयर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आइदर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एटीन और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव, ए स्क्वेयर को अगर एटीन लेते हैं तो बी स्क्वेयर कितना आता है अभी बी स्क्वायर आता है सर, यहाँ से निकाल बी स्क्वेयर कितना था टेन माइनस ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना था टेन माइनस ए स्क्वेयर इस रिलेशन से, तो बी स्क्वेयर कितना आएगा यहाँ, तो बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा माइनस एट आ जाएगा माइनस एट, ये तो पॉसिबल नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा ये वाला केस, ठीक है। ए स्क्वेयर को अगर फाइव लेते हैं तो बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा फाइव, बी स्क्वेयर फाइव आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वेयर अपॉन कौन से वाला है तो बोला था ये वाई स्क्वेयर वाला, वाई स्क्वेयर अपॉन फाइव का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है। ठीक है यस सर। ओम साई राम। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे